4 अगस्त आज से फ्री फायर में और एक नया अपडेट आने वाला है, OB29 अपडेट। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या है फ्री फायर में, क्या क्या नए आते हैं और क्या क्या इस गेम से हटाए जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है M4 चिप, AR मैगजीन, SMG मसल, शॉटगन मसल। एयर मैगजीन का काम है गन का फायर रेट ऑफ फायर बढ़ाना, और ये जो मैगजीन है वो नॉर्मल मैगजीन से कम गोली शायद पकड़ेगी। और नेक्स्ट है शॉटगन मसल डैमेज को इंक्रीज करेगा, और जो वो एक्यूरेसी बोलते हैं ना, जे जितनी गोली एक साथ निकलती है स्प्रे शॉटगन की एक गोली में, उसका एक्यूरेसी ज़्यादा पकड़ेगा। और एसएमजी मज़ल इसकी रेट ऑफ फायर, एसएमजी गन की रेट ऑफ फायर को पकड़ेगा। गेम में जो मुक्को था उसको इलाइट मुक्को बना रहे हैं, और इलाइट मुक्को जब बना रहे हैं तब उदयना वाले उन उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हमको देंगे, जैसे कि बैट, पेन, स्पेस 12 और ऑग का स्किन। कि आप देख सकते हैं इधर एक्समेट का रेट ऑफ फायर बढ़ाया गया है, रिकॉइल भी बढ़ाया गया है, उसी का मिनिमम डैमेज मैगजीन और इफेक्टिव रेंज बढ़ाया गया है, स्पेस 12 का मज़ल और स्कोप अटैचमेंट स्लॉट भी दिया गया है, उसके साथ इसका रेंज भी बढ़ाया गया है, वेक्टर का रेंज और प्लस मूवमेंट स्पीड भी बढ़ाया गया है। उसके अलावा हमारा वो जो शॉटगन होता है ना M1887, उसका आर्मर पेनिट्रेशन, रेंज एंड रेट ऑफ फायर तीनों चीज़ों को घटाया गया है। इसके साथ मैगजीन और मज़ल के साथ भी छेड़छाड़ किया गया, जैसे कि मैगजीन में हम जितने गोली ले पाते थे उससे कम गोली अब ले पाएंगे। और एंड जो मज़ल है, मज़ल हमारा वो क्या बोलते हैं रेंज बढ़ाता था, अब वो रेंज नहीं बढ़ा पाएगा, वो रेंज को घट गई ना। फ्री फायर का इस बार वाला अपडेट एकदम मस्त ओपी अपडेट है, क्योंकि इस बार गैना वालों ने लाया है वेपन रिक्वेस्ट वेपन। मतलब आपको अगर कोई वेपन चाहिए, आपके पास ज़्यादा कॉइन नहीं है, आपके दोस्त के पास कॉइन है, तो आप वो चीज़ उधर रिक्वेस्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट करने के बाद आपका दोस्त का कॉइन होगा तो वो दे देगा आपको वो गन खरीद के। जैसे कि कोई बंदा, सोचो कि कोई बंदा गेम खेलते हुए बात नहीं कर सकता, तब वो रिक्वेस्ट कर देगा। ये अच्छा हुआ, ये चीज़ अपडेट में दिया, ये अच्छा लगा। हाँ, आप जो ये चीज़ स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है हमारा नेक्स्ट गोल रॉयल, जो कल अपडेट के बाद हमको मिल जाएगा। देखने में क्या लगता है भाई, आपको ओपी लगता है क्या ये चीज़, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। इधर आप देख सकते हो, इधर एक डिकॉय ग्रेनेड क्या चीज़ है, अभी तक लीक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, पर EC80 न्यू ईयर गन है। हर अपडेट के बाद गैना फ्री फायर कोई ना कोई नया नया इमोट देता है, तो इस बार कौन सा इमोट दिया है आपको तो जानने की बहुत आशा होगी। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कौन से नए नए इमोट आए हैं गेम में। आप सभी लोग जानते हैं कि नया इनक्यूबेटर आने वाला है, और आपके मन में भी आशा जग रही है कि कौन सा नया इनक्यूबेटर में ड्रेस या कौन सा नया वेपन आएगा। तो चलिए देख लेते हैं लीक्स के अकॉर्डिंग में क्या बोलते हैं कि कौन सा वाला आएगा या फिर कौन सा वाला नहीं आएगा। ये जो है ये ड्रेसेस का इनक्यूबेटर है, और ये जो है ये है MP5 का स्किन इनक्यूबेटर वाला। भाई क्या लग रहा है,
आप लोग बताओ, आप कौन सा, आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला इंक्यूबेटर आएगा गेम में? हाँ भाई लोग, आप लोग जो सोच रहे हो ये वही है, क्योंकि हमारा नया CS रैंक स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना। ये हमारा नया CS रैंक का ड्रेस है, हीरोइक का ड्रेस। तो बताओ कैसे लगा आप लोगों को ये वाला? जैसे कि आप लोग जानते ही है कि हर बार एक नया लॉबी देते हैं गैंगा वाले, तो देख लेते हैं अपडेट के बाद हमको कौन सा लॉबी मिलता है।